नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह की, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7th February 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में आगे जानने के लिए। तो पहले न्यूज की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला न्यूज यहाँ पर हमसे कहता है, नागालैंड गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद पतंजलि फूड्स फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली नागालैंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, पतंजलि फूड, ठीक है, आपको पता है दोस्तों पतंजलि क्या है, एक FMCG कंपनी है इंडिया की, ठीक है, तो आपको ये समझ में आती होगी। जैसे FMCG क्या हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था, जैसे बजाज हो गया, ठीक है, उसके साथ रिलायंस भी हो गया, कोलगेट हो गया, सब FMCG प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो उसी के साथ यहाँ पर एक MOU साइन किया, मतलब एक अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है फॉर द पाम ऑयल कल्टी, इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। तो MOU वो साइन बाय डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नागालैंड एम बेन यतनाथ एंड पतंजलि फूड्स लिमिटेड हेड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑयल पाम सुभाष भट्टाचार्य जी एट द डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर कोहिमा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एक हेड था कहाँ का, एक हेड था आपका नागालैंड गवर्नमेंट का, और एक हेड थे प्रेजेंट कहाँ के, आपके पतंजलि फूड्स के, नॉर्थ ईस्ट रीजन के। उन दोनों ने यहाँ पर मिलकर क्या किया दोस्तों, एक पैक्ट साइन किया है जहां पर पाम ऑयल कल्टीवेशन में आएगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन। According to the Patanjali Foods Limited, the signing of the MOU with the government of Nagaland will be certainly bring a boost of the oil palm growers in the state of Nagaland and the region. Patanjali Foods Limited is already working in the states of Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura in the northeast. राइट ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए काफी कुछ बजट में भी यहाँ पर दिए गए हैं पैसे, फंड एलोकेशन हुई है, और यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का फोकस है कि उस एरिया को यहाँ पर क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, और साथ ही साथ उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर कौन जुड़ा है, नागालैंड की गवर्नमेंट और पतंजलि फूड्स, ठीक है, लिमिटेड, यहाँ पर दोनों एग्रीमेंट में आए हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और उसका धार हो सके, राइट। उसी से ज्यादा मैं आपको बता दूं, एक बार मुझे पतंजलि के बारे में भी आपको बताना चाहिए दोस्तों। तो बेसिकली पतंजलि आयुर्वेदा जो है वो इंडिया की मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो पतंजलि आयुर्वेदा है ये फाउंड की गई है, आपको पता है, आप जानते होंगे डेफिनेटली, रामदेव बाबा, ठीक है, रामदेव एंड बालकृष्णा, ठीक है, तो ये दोनों जो सेंट है उनके द्वारा यहाँ पर ये क्या की गई है, फाउंड की गई है, ठीक है, और इसे इस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों 2006 में। तो ये इसकी और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा न्यूज है जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी चाहिए। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो मेन प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो हरिद्वार में आपको देखने को मिलेगी पतंजलि फूड्स की, और यहाँ पर पतंजलि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, आयुर्वेदा मेडिसिन, ये सब कुछ क्या करता है, यहाँ पर प्रोड्यूस करता है इंडिया में, राइट। तो ये भी आपको इधर ध्यान रखना चाहिए। तो हम हमेशा फोकस ये करते हैं दोस्तों कि आपको वो करंट अफेयर्स पर लेकर चलें और उस लेवल तक पहुंचा दें ताकि आपको जो नॉलेज है वो तो मिले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिली हुई जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हम आपको दें और साथ ही साथ उसका स्टेट्स भी यहाँ पर आपको बताएं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो नागालैंड गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद डैश फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, पतंजलि आयुर्वेदा, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 की तरफ। NIA लॉन्च पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ पर NIA, ठीक है, तो NIA यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूं, न्यू इंडिया अश्योरेंस, राइट, एक बार यहाँ पर लिख देना चाहिए मुझे, न्यू इंडिया अश्योरेंस, तो NIA का फुल फॉर्म यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ पर इसने लॉन्च किया है एक पॉलिसी जिसका नाम है PAYD, पे एज यू ड्राइव, ठीक है, तो क्या है ये, इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। तो देखिए, द पॉलिसी कम्स विद वेरियस बेनिफिट्स, फॉर इंस्टेंस द कस्टमर कैन सेव मनी थ्रू डिस्काउंट्स ऑन रिन्यूएबल प्रीमियम्स प्रोवाइडेड द व्हीकल रन्स विद द स्पेसिफिक किलोमीटर्स। द डिस्काउंट अप्लाइड फॉर द पे एज यू ड्राइव इज बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम, इन एडिशन टू द कवरेज विल कंटिन्यू द पॉलिसीज रिमेनिंग ड्यूरेशन इवन इफ द व्हीकल हैज बीन ड्रिवन बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट। इंडियाज लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस फर्म इन्फॉर्म्ड दैट द क्लाइंट्स could avail of
अ डिस्काउंट ऑन द रिन्यूएबल एल्बिट एट अ लोअर एप्लीकेबल रेंज। तो यहाँ पर देखो जो मेन इस पॉलिसी की जितने भी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी। इसमें होगा क्या दोस्तों, बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं इस पॉलिसी के, एक होता है पार्टी कवर और एक होता है ओन डैमेज कवर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलिसी में दो कवर होंगे। ठीक है, उससे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से। यहाँ पर ये होगा दोस्तों, जितना आप गाड़ी चलाएंगे उस हिसाब से इंश्योरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर सेट कर दी जाएगी, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर वो जो किलोमीटर्स है वो आगे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। राइट, तो फिर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा भी चला सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर रहती है। ये जो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है दोस्तों, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, ये मैं बता दूं आपको। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, मतलब अगर आप बोलो तो हेडक्वार्टर्स का मुंबई हो जाएगा। इसे फाउंड किया गया था 1990 में बाय सर दोराबजी टाटा के द्वारा। ठीक है, और स्टैब्लिश हुई थी 1973 में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसके स्टैट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। और इस पर दोस्तों आपका एमसीक्यू कैसे बन सकता है, तो विच पब्लिक सेक्टर हैज लॉन्च्ड अ पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका एनआईए न्यू इंडिया अश्योरेंस। आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 3। मेती सेक्रेटरी इनॉग्रेटेड G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल। क्या है दोस्तों ये, द सेक्रेटरी ऑफ मेती, that is Ministry of Electronics and Information Technology, Alkesh Kumar Sharma inaugurated the G20 Cyber Security Exercise and Drill for more than 400 domestic and international participants under India's G20 presidency. The Indian Computer Emergency Response Team, CERTIN, conducted the Cyber Security Exercise and a Drill in hybrid mode, that is physical and virtual, both the modes are available, where international participants were more than 12 countries joined through online mode, while domestic participants can diverse sectors such as finance, education, telecom, food, shipping, energy, IITs, ITEs, etc. Right? तो ये सब कुछ आपका in person as well as virtual mode में available रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, basically एक exercise यहाँ पर करी जा रही है मेती के द्वारा, that is मेती इसमें इसका पूरा लुक आफ्टर करेगा। और यहाँ पर G20 साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इस पर ड्रिल हो रही, एक्सरसाइज हो रही, मतलब आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, सिखाया जा रहा है लोगों को। तो इंडिया के लोगों के लिए तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लेकिन जो बाहर के लोग से ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पर। और इससे बढ़िया बात यह है कि दोस्तों 400 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, तो करेक्ट हो जाएगा आपका मेती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप प्लीज इसे मार्क डाउन करके रखें। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे पे यहाँ पर न्यूज मुझे दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टर्निटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन February 4। राइट, तो दोस्तों ये जो बेसिकली ह्यूमन फर्टर्निटी डे है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 4 फरवरी को। और यहाँ पर दोस्तों इसको UNGA, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को एस्टैब्लिश किया गया था। दिस डे विच फॉल्स इन द मिडल ऑफ इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी वीक इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, और इसे मनाया जाता है टू क्रिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी कमिंग टुगेदर एज अ यूनाइटेड कम्युनिटी इन टाइम्स। राइट, यहाँ पर इसका जो मेन एम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया इंपॉर्टेंट डे पे क्वेश्चन पूछता है एम पर, मोटो पर, थीम पर या फिर डेट पर। ये चार प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर मोटो दिया हुआ है हार्मनी इन डिफरेंस। राइट, तो ये प्लीज आप इसे क्या करेंगे, मार्क करेंगे दोस्तों। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो एक बार बता दूं मैं आपको। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टर्निटी इज सेलिब्रेटेड, तो करेक्ट हो जाएगा आपका February 4। आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। तो फॉक्सकॉन और वेदांता ने प्लान किया है टाइप का विद एसटीएम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक बार थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसको।
तो फॉक्सकॉन और वेदांता क्लोज टू इंडक्टिंग यूरोपियन चिप मेकर एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर इन देयर प्रपोज्ड सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया एंड फॉक्सकॉन विल बी अ लीड पार्टनर इन द जॉइंट वेंचर दैट वाज अनाउंस्ड लास्ट फरवरी. द वेदांता फॉक्सकॉन कंसोर्टियम इज वन ऑफ द फाइव एप्लीकेंट सीकिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अंडर 10 बिलियन पैकेज अनाउंस्ड इन दिसंबर 2021. राइट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ये बेसिकली फॉक्सकॉन और वेदांता जो है वो टाइप में यहाँ पर जा रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर वो क्या करने वाले हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर बैठाने वाले हैं किसकी, आपके सेमीकंडक्टर चिप की. ठीक है, एसटीएम सेमीकंडक्टर चिप, जिसको आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है. इसके लिए मुझे आपको डेफिनेटली यहाँ पर बताना चाहिए कि ये है क्या चीज. तो देखो ये आए हैं, पहली बात मैं फॉक्सकॉन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की. ठीक है, कम से कम इसका जो इन्वेस्ट है या फिर मैं इसकी बात करूँ वैल्यूएशन है 70-80 बिलियन की होगी यहाँ पर इंडिया की अगर मैं बात करूँ. ठीक है, वेरी कमिटेड टू इंडिया. राइट, वही अगर वेदांता की बात करूँ तो मैं दोस्तों वेदांता के बारे में आप सब जानते हैं, इसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. वेदांता एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरी वेल नोन और रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी इंडिया में. राइट, तो ये दोनों ज्वाइंट वेंचर में आए हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सिंपल बात है, इंडिया में है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर. अच्छा, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो फॉक्सकॉन ने किसके साथ यहाँ पर टाई अप करने की कोशिश की है फॉर द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा आपका वेदांता. आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर. न्यूज नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, गूगल इन्वेस्ट $300 मिलियन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक. राइट, चैट जीपीटी. ठीक है दोस्तों, आपको पता है ना कि आजकल चैट के माध्यम से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, जैसे अगर आपको हेल्प चाहिए आजकल हर बैंक क्या है, बस आप हाय भेजिए व्हाट्सएप पे, वो चैटबॉट के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. राइट, उसी तरीके से यहाँ पर गूगल ने इन्वेस्ट किया $300 मिलियन का इन एंथ्रोपिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप हुज टेक्नोलॉजी इज सेड टू राइवल ओपन AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द कंपनी बिहाइंड चैट जीपीटी. अकॉर्डिंग टू द आइडियल एंथ्रोपेडिक हैज agreed to purchase some of the Google services to support its technology. The terms of the deal through which Google will take a stake of 10% requires Anthropic to use the money to buy computer resources from the search company's cloud computing division Anthropic. Right? तो यहाँ पर देखो fund outlay पर direct question तुमसे पूछेगा, और ज़्यादा कुछ तुम्हारे exam में इतना depth में नहीं पूछ सकता. या तो कंपनी पर क्वेश्चन आता है फंड आउटले पे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहली बात तो कौन सी कंपनी है, गूगल, और उसने कितने $300 मिलियन. ठीक है, $300 मिलियन यहाँ पर क्या किए हैं दोस्तों, इन्वेस्ट किए हैं चैट जीपीटी में. ठीक है, ताकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ऊंची चीज यहाँ पर बन सके. ठीक है, सिंपल बात है. तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच कंपनी हैज इन्वेस्टेड अराउंड $300 मिलियन इन एंथ्रोपिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप whose technology is set to rival OpenAI, the company behind ChatGPT. तो करेक्ट हो जाएगा आपका गूगल, है ना. अच्छा, यहाँ पर देखो सिंपल है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, इट्स वेरी इजी कि आप इसे समझ जाए. राइट, अच्छा, और किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको बनाने हैं बुलेट पॉइंट्स, वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं. राइट, आगे चलते हैं न्यूज नंबर 7 के साथ. SpaceX awarded shared NASA contract worth $100 मिलियन. तो SpaceX जो है, जो एलन मस्क की कंपनी आपको पता ही है ना, रॉकेट लॉन्च सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी है ये. तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इज पार्ट ऑफ पेलोड कॉन्ट्रैक्ट नासा हैज अवॉर्डेड एज मच ऑफ 100 बिलियन ओवर अ डिकेड. एलन मस्क रॉकेट लॉन्च एंड सैटेलाइट ऑपरेटर विल शेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनस्पेसिफाइड कॉमर्शियल पेलोड प्रोसेसिंग सर्विसेज. राइट, तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल है कि SpaceX ने नासा SpaceX और नासा क्या है दोस्तों, कोलैबोरेशन में आए और इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्थ है $100 बिलियन का और 100 इयर्स तक का है. ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात यहाँ पर मैंने आपको बता दी, है ना. इनका मिशन यहाँ पर क्या रहेगा कि जो आपके आने वाले 10 साल है ना, जो आपके आने वाले हमारे आने वाले जो आगे के 10 साल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सेटेलाइट बनाए जाए और स्पेस पर भेजे जाए. ठीक है, सिंपल बात है, बस ये इनका यहाँ पर क्या है, एम है, उद्देश्य है. अच्छा, SpaceX किसके द्वारा ओन किया जाता है दोस्तों, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इलॉन मस्क, है ना. आगे चलते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ. सऊदी अरेबिया टू होस्ट फुटबॉल 2027 एशियन कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मार्क करेंगे आप लोग. तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अनाउंस दैट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वॉन 2027
एशियन नेशंस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस हिस्ट्री सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1956. दिस केम ड्यूरिंग द वर्क फॉर 33rd कांग्रेस ऑफ द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड फेब्रुअरी 1 इज द बहरीन कैपिटल ऑफ मनामा. राइट, तो यहाँ पर 2027 में होने वाला फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC, इसको कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री, ध्यान रखिएगा सऊदी अरब. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्पोर्ट्स पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच कंट्री टू होस्ट द फुटबॉल 2027 एशियन कप, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया. राइट, आगे चलते हैं न्यूज नंबर 9 की तरफ. न्यूज नंबर 9 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ दिख रहा है दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे एवरी ईयर ऑन 4th of February. दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड ऑन 4th of February एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव ब्रॉट एवरीवन टुगेदर इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर. वर्ल्ड कैंसर डे सीक्स टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ बाय एडुकेटिंग द पब्लिक, प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड प्रेशराइजिंग इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड टू टेक एक्शन एवरी ईयर. राइट, यहाँ पर इसकी थीम क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, थीम है क्लोज द केयर गैप. क्या है, क्लोज द केयर गैप. ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे फॉर द पास्ट 3 years द मल्टी ईयर कैंपेन्स मेन ऑब्जेक्टिव आर टू इंक्रीज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ कैंसर डे थ्रू एक्सपोजर इन्वॉल्वमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज. राइट, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो थीम है दोस्तों आप इसको मार्क करके रखें और थीम इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो इसका प्रोस्पेक्टिव डेट पर भी जा सकता है, थीम पर भी जा सकता है. ठीक है, तो थीम पर क्वेश्चन बनाएगा तो 4 में से एक करेक्ट थीम देगा आपको, उसको खोजना पड़ेगा. राइट, तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा February 4. आगे चलते हैं दोस्तों आज के हमारे लास्ट न्यूज की तरफ, न्यूज नंबर 10th न्यूज यहाँ पर हमारे साथ आ चुकी है आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर. नासा एंड IBM पार्टनर्स टू बिल्ड AI फाउंडेशन मॉडल्स टू एडवांस क्लाइमेट साइंस. तो IBM हैज पार्टनर्ड विद नासा टू गेन न्यू फाइंडिंग्स ऑन अर्थ क्लाइमेट थ्रू द पावर ऑफ AI टेक्नोलॉजी एंड टू ऑर्गेनाइजेशन विल यूज AI टेक डेवलप्ड बाय IBM टुगेदर विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड जियोस्पेक्टिकल डेटा दैट नासा हैज अवेलेबल टू शेयर. अर्थ ऑब्जर्वेशन इज द गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सिस्टम्स यूजुअली थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग. राइट, तो यहाँ पर दोस्तों अर्थ की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट, क्लाइमेट की, अर्थ क्लाइमेट की, उसको शेयर करेगा वो किसके साथ, IBM के साथ, ताकि दोनों मिलकर एक एडवांस लेवल पर पहुंच सके क्लाइमेट साइंस के. राइट, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, नासा ने किसके साथ पार्टनरशिप की है कि AI एक ऐसा फाउंडेशन करेंगे वो लोग ताकि एडवांस क्लाइमेट साइंस तक वहां पर पहुंच पाए, तो ये जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IBM. ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका IBM. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. यहाँ पर हमारे 10 टॉप न्यूज जो है खत्म होती है दोस्तों आपके साथ. आज के सेशन में मैंने टॉप 10 न्यूज की सारी डिटेल शेयर की, कैसे उस पर MCQ बन सकते हैं वो बात आपको बताई. तो यहाँ पर आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा. आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज है दोस्तों हमारे WBCS, बैंक, SEC, रेलवे, इन सभी की डिटेल मिलेगी बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर. यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे और अभी तो हमारा होली ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. राइट, और हमारे ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी अंडर द वन रूफ, सारी चीजें आप लोगों की हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी टॉप नॉच विद अविजन इंस्टीट्यूट. राइट, और साथ ही साथ आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा. जो नया जुड़ा है मेरे साथ, पहली बार ये वीडियोस देख रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को. साथ ही साथ नए जो जुड़े हैं वो बेल आइकॉन को प्रेस कर दे. शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपको इन वीडियोस की लिंक और PDF सबसे पहले मिलती रहे. तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.